रेल पुलिस के द्वारा ट्रेन में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। बता दें कि पटना जीआरपी ने ट्रेन में लूटपाट करने वाले डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुल 7 से 9 लोग थे। हालांकि पुलिस 2 डकैतों को गिरफ्तार किया है। रेल एसपी ने इसकी पुष्टि की है। तारीख को रात्रि करीब 10:30 बजे में गाड़ी संख्या 3629 अप तिलैया दानापुर पैसेंजर ट्रेन बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से जैसे ही आगे बढ़ी, कुछ दूर बाद चंपापुर हॉल्ट के समीप सटे हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ट्रेन को एसीपी किया गया और 8-10 की संख्या में अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर ट्रेन में पैसेंजर के साथ लूटपाट की घटना की गई। मोबाइल छीनने की घटना की गई, उनको इंज्योर भी किया गया। इसी क्रम में यात्री ललन कुमार, शिवम कुमार, अनिल कुमार और साहिल पटेल, इनके साथ घटना होने की सूचना प्राप्त हुई है। कुछ अन्य यात्रियों के साथ भी हुई है घटना, जिसमें कि सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है उनसे। रेल पुलिस इस घटना के आलोक में तुरंत ही रेल पुलिस अधीक्षक मुकुल परिमल पांडे जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसमें राजेश कुमार सिन्हा रेल पुलिस निरीक्षक बख्तियारपुर, कुंवनी संजय सिंह रेल थानाध्यक्ष बख्तियारपुर, सोनी पंकज कुमार प्रभारी रेल केंद्र खुसरूपुर, सोनी रोहित कुमार सिंह प्रभारी तकनीकी शाखा एवं QRT के सशस्त्र टीम को तुरंत लगाया गया। इस टीम के द्वारा इसके उद्भेदन और छापमारी करने हेतु इन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई, सघन तलाशी ली गई और नज़दीक के अगल बगल के सटे गांव में लगातार छापमारी की गई। इसी आलोक में दबिश बढ़ने के बाद ये प्लेटफॉर्म के ही पश्चिमी छोर से कुछ सूचना प्राप्त हुई कि कुछ यात्रियों के साथ कुछ भय दिखाकर कुछ पुनः लूटपाट करने की का प्रयास 2 व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तुरंत टीम के द्वारा वहाँ पे जाया गया प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पश्चिमी छोर पे। वहाँ पर 2 व्यक्ति दीपक कुमार उम्र 22 वर्ष, पिता सुभाष सिंह साकिन बरियारपुर थाना बख्तियारपुर जिला पटना एवं संजय कुमार उर्फ ब्यास उम्र 20 वर्ष, पिता स्वर्गीय लाल बाबू राय साकिन नया टोला ददौर थाना बख्तियारपुर जिला पटना के पास से 7 मोबाइल, देसी कट्टा 3, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस 2 .315 बोर का इनके पास से बरामद किया गया और बैग भी यात्री के लूटा हुआ बैग बरामद किया गया, जिसमें कि कुछ सामान यात्रियों के थे। इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि बख्तियारपुर से जैसे ही ट्रेन खुली तो इनके पहले से कुछ जो इनके गिरोह की इनके गिरोह में कुल इनके द्वारा 9 सदस्यों की बात स्वीकार की गई है। इनके कुछ सदस्य पहले से ट्रेन में बख्तियारपुर से चढ़ गए और ट्रेन में ACP जैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पहुंची ट्रेन चंपापुर हॉल्ट के पास तो ACP किया गया और ACP करने के बाद ये लोग ट्रेन में चढ़ गए, घात लगाकर ये बैठे हुए थे और यात्रियों को लूटपाट करने इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया और मोबाइल लूटा गया और ये उसके बाद भाग गया, छिप गया। पुलिस का दबिश बढ़ने के बाद ये पुनः दूसरी घटना कायद करने की योजना बना रहे थे, उसी क्रम में ये पकड़े गए।